उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के दो बड़े गढ़ों पर कब्जा कर लिया है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जिसे पार्टी ने एक बड़े संदेश के रूप में देखा है। रामपुर में एसपी से कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी के घनश्याम लोधी ने लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी फिल्मों के गायक और बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी धर्मेंद्र यादव को पराजित किया है। रामपुर में बीजेपी के प्रत्याशी को करीब 42,000 वोटों से जीत मिली है, जिसके बाद बीजेपी उत्साहित है। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जश्न का माहौल है। बीजेपी के नेताओं ने रविवार को सीएम योगी के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और मिठाई खिलाई। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के बाद बीजेपी के पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार की जीत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह संदेश दे दिया है कि 2024 के लोकसभा उपचुनाव में वो बीजेपी के साथ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। आजमगढ़ के उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस चुनाव को जनता की जीत बताया है। आजमगढ़ जीतने के बाद यहां पहुंचे निरहुआ ने कहा कि ये जनता की जीत है और अब वो लोगों के लिए काम करेंगे। निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में उनका अपना घर होगा और यहां पर पहले ही उनकी मौसी और बुआ का घर है। निरहुआ ने यह भी कहा कि उनकी जीत का कमल अब पीएम मोदी के पास पहुंचेगा और 2024 तक वो आजमगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ, वो लोग भ्रम में हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर, मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान, वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के कारण आजम खान बेहद नाराज हैं। आजम खान ने एसपी की हार का ठीकरा प्रशासन और सरकार पर फोड़ा है। आजम ने कहा कि ये चुनाव चुनाव नहीं था और इसके नतीजे नतीजे नहीं हैं। आजम खान ने कहा कि उनके इलाके में वोटिंग नहीं करने दी गई। आजम ने कहा कि 900 वोट के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 6 वोट डाले गए हैं और 2200 वोटों के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 1 वोट पड़ा है। जिस तरह से वोट डाले गए हैं, हम इसे अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं। चुनाव था ही कहां, इसे ना चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। आजमगढ़ में चुनावी हार के बाद एसपी के नेता धर्मेंद्र यादव ने बीएसपी पर जमकर हमला बोला है। मायावती पर निशाना साधते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम माइनॉरिटी के भाइयों को यह समझाने में सफल रहे और मुझे लगता है कि आज के बाद उन लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मायावती पर निशाना साधते हुए धर्मेंद्र यादव ने उन पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शायद आज लोगों को पता चल जाए कि मायावती किस तरह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं।